वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर विवाद और दूसरे स्मारकों पर स्वामित्व को लेकर कानूनी जंग लगातार जारी है। हिंदू पक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की कोर्ट में याचिका देकर ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा का अधिकार देने का आग्रह किया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने बैठक करके ये साफ कर दिया कि धार्मिक स्थलों के स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए, वरना मुसलमान समुदाय भी अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं रहेगा। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। याचिका में ये दलील दी गई है कि मुसलमान किसी भूखंड पर मस्जिद का दावा करते हुए अधिकार नहीं जता सकते, जब तक कि इसका निर्माण कानूनी रूप से स्वामित्व और नियंत्रण वाली पवित्र जमीन पर नहीं किया गया हो। याचिकाकर्ता ने कहा है कि देवों में निहित संपत्ति देवों की होती है, भले ही किसी व्यक्ति ने उस पर अवैध कब्जा किया हो और उस पर नमाज अदा की जा रही हो। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि केवल उन्हीं जगहों को संरक्षित किया जा सकता है जिन्हें उन्हें बनाने वाले व्यक्ति के पर्सनल लॉ के अनुरूप बनाया गया है, जबकि पर्सनल लॉ की अवज्ञा करते हुए निर्मित स्थानों को उपासना स्थल नहीं कहा जा सकता। पिटीशन में ये भी दावा किया गया है कि मस्जिद का दर्जा केवल उन्हीं ढांचों को दिया जा सकता है जो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार बनाए गए हैं। इस्लामी कानून में निहित प्रावधानों के खिलाफ बनाई गई मस्जिदों को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि मस्जिद परिसर में सर्वे के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके बाद अश्विनी उपाध्याय की ओर से ये नई याचिका दायर की गई। उधर मंगलवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में वाराणसी कोर्ट में नई याचिका दायर की गई। इस याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने और मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इस पर सुनवाई शुरू होनी बाकी है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है। ज्ञानव्यापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादीगण को ज्ञानव्यापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ राग भोग दर्शन की मांग की गई है। मंगलवार को अदालत में कहा गया है कि शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन पूजन राग भोग पूजा का अधिकार आवश्यक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ज्ञानव्यापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। साथ ही ये भी बोला गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं उनकी पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।